हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने आ रही, देख लीजिए। आप यहाँ पर 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट, मोबाइल, प्रतियोगी परीक्षा भत्ता भी। तो देखिए, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल दिया जाएगा, ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने की है विधानसभा में। तो ये टैबलेट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, मोबाइल किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। और ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें वही चीज़ लिखा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये सिर्फ स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को ही दिया जाएगा। 10th या 12th वालों के लिए अभी कोई घोषणा नहीं की गई है कि उनको भी मिलेगा। अभी उनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नीचे स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन के साथ ही मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। इलेक्शन के बाद मिलेगा या पहले मिलेगा, मेरे ख्याल से पहले मिलेगा, बाद में कोई मिलने के चांस ही नहीं है, बाद में कौन देता है। तो इनको देना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनावी मुद्दा भी होगा। तो फिलहाल हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि ये लोग दे रहे हैं, और अगर देंगे, मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, कब तक मिलता है, अभी इस बारे में कोई खबर नहीं। लेकिन मिलेगा जब इन्होंने बोला है उसके लिए 3000 करोड़ रुपये का एक बजट भी तैयार किया जा रहा है, तो मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा अभी ये निश्चित नहीं। ओके, तो जब कोई संबंध में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।